एनसीपी नेता अजीत पवार समेत कई विधायकों के शिंदे सरकार के समर्थन से भाजपा के लिए बड़ी जीत मानी जा रही है, लेकिन दूसरी ओर शिंदे गुट में इसको लेकर नाराजगी दिखाई पड़ रही है। उनकी बेचैनी लगातार बढ़ती जा रही है। यहां तक कि माना जा रहा है कि भाजपा के कई नेताओं को भी इसकी चिंता है, क्योंकि अभी तक सत्ता बंटवारे और विभागों के बंटवारे को लेकर कोई ठोस फैसला नहीं हो पाया है। आखिर तीनों दल कैसे सरकार को आगे लेकर जाएंगे, ये बात तय होना बाकी है। इसके लिए मंगलवार को एक बैठक जरूर हुई थी, लेकिन माना जा रहा है कि बैठक बेनतीजा रही और आज फिर से विभागों के बंटवारे को लेकर एक नई बैठक होने वाली है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि क्या वाकई शिंदे गुट इस पूरे फेरबदल से खुश होगा? क्या शिंदे गुट की बेचैनी बढ़ती जा रही है? चलिए इस पर बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेघना सचदेवा। आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। तमाम देश दुनिया की खबरों के लिए हमारे चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आप हमारी वीडियो को इंस्टाग्राम या फिर ट्विटर पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो भी जरूर कीजिए। दरअसल 2 जुलाई को एनसीपी नेता अजीत पवार समेत एनसीपी के कई नेताओं ने बगावत कर दी और शिंदे सरकार को अपना समर्थन दे दिया। इसके बाद एक गौर करने वाली बात यह है कि उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से ये कहा गया कि ये सब जो किया गया है, यानी कि अजीत पवार जिस तरह से शामिल हुए हैं शिंदे सरकार में, उसका मकसद है एकनाथ शिंदे की कुर्सी छीनना। वहीं दूसरी ओर अब खबरें ये भी हैं कि वाकई एनसीपी नेता अजीत पवार और तमाम विधायकों के शिंदे सरकार को समर्थन देने के बाद शिंदे गुट की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं और उनकी बेचैनी बढ़ती जा रही है। मंगलवार को कैबिनेट बैठक के तुरंत बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपने दोनों डिप्टी सीएम के साथ बैठक की, लेकिन विभागों के वितरण पर मतभेदों के चलते बैठक बेनतीजा ही रही। सूत्रों ने बताया कि कैबिनेट बैठक के दौरान सीएम शिंदे की नाराजगी साफ झलक रही थी। एक अधिकारी ने कहा उनके और उनके मंत्रियों की शारीरिक भाषा संयमित थी, जबकि अजीत पवार खेमा आक्रामक दिख रहा था। इसके अलावा पवार और फडणवीस को अधिक मित्रतापूर्ण देखा गया, जिससे ये आभास हुआ कि शिंदे अलग थलग पड़ गए थे। विभागों के बंटवारे को लेकर बुधवार को तीनों नेताओं की एक बार फिर से बैठक होनी है। भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने कहा अजीत पवार खेमा वित्त, ऊर्जा, खाद्य और नागरिक आपूर्ति, ग्रामीण विकास, जल संसाधन और महिला एवं बाल कल्याण की मांग कर रहा है, जबकि शिंदे गुट अजीत को वित्त मिलने का कड़ा विरोध कर रहा है, क्योंकि एमवीएस सरकार में वित्त मंत्री के रूप में परिव्यय का असंगत वितरण पिछले साल उनके विद्रोह का एक प्रमुख कारण था। सीएम ने अपनी पार्टी के मंत्रियों के विभागों में फेरबदल के विचार का भी विरोध किया, जिसे भाजपा ने प्रस्तावित किया था। वहीं शिंदे के मां काफी परेशान हैं। विधायक संजय शिरसाट, भरत गोगावले और मंत्री दीपक केसरकर ने भाजपा द्वारा नई सहयोगी को लाने पर सवाल उठाया, वो भी उन्हें विश्वास में लिए बिना। उसका कहना है कि जब हमारे पास पूर्ण बहुमत था तो ऐसा करने की जरूरत क्या थी। शिवसेना नेता गजानन कीर्तिकर ने भी कहा कि अगर शिवसेना को कम विभाग मिले तो ठीक है। उन्होंने कहा लोकसभा चुनाव जीतने और शरद पवार को खत्म करने के लिए एनसीपी को शामिल किया गया। हमारे कुछ विधायक जो मंत्री पद चाहते थे वो नाराज हैं, लेकिन ये कोई बड़ी समस्या नहीं है। अलग अलग प्रतिक्रियाओं के बीच कुछ भाजपा नेताओं ने यह भी स्वीकार किया है कि लोगों की प्रतिक्रियाओं से वो परेशान हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हम लगातार जिन लोगों पर आरोप लगाते रहे, हमने उन्हीं लोगों को अपनी सरकार में शामिल कर लिया, उन्हीं लोगों ने हमारी सरकार का समर्थन किया है, जिससे आम जनता यानी कि महाराष्ट्र की जनता खुश नजर नहीं आ रही है। अब इस मामले को लेकर कैसे क्या होता है, इसके लिए आप लगातार अपडेट के लिए लोकमत हिंदी पर बने रहें। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।